Hello friends. Good morning. How are you? I hope you all are fine. I welcome you in the presentation of class nine mathematics. Your chapter is linear equation into variable. Friends, in a previous session we already seen how to represent linear equation graphically. Some examples are also seen. Now today's topic is same chapter. Today's topic is इक्वेशन ऑफ लाइन पैरल टू एक्स एक्सिस एंड वाइसिस अभी हमें ऐसी इक्वेशन देखने हैं जिनका ग्राफ पैरल्टॉट डिस ऑन द ग्राफ पेपर सो नाउ सी हि प्लॉट द पॉइंट टू जीरो माइनस थ्री जीरो फोर जीरो ऑन ग्राफ पेपर नाउ ट्राई टू

दोनों एक्सेस के ऊपर स्केल लिएटर इज इक्वल टू वन यूनिट लिया है ये आपका ओरिजिन है ओके बाद में वन यूनिट के बाद वन टू तो थ्री फोर सो ऑन इसी तरह पॉजिटिव इंटीजर एक्स एक्सिस राइट साइड में ओरिजिन के राइट साइड में दर्शा गए और उसी तरह लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स माइनस वन माइनस टू माइनस थ्रेन सो ऑन और वाइ एक्सिस के ऊपर भी ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव इंटीजर वन टू थ्री फोर है और नीचे

ओरिजिन के लेफ्ट साइड में आपको माइनस थ्री ये माइनस थ्री देर से दिखाई दे रहा है और वाई कोऑर्डिनेट आपका जीरो है तो इसका मतलब point is also x axis यहाँ पे है और थ्री जीरो ओके थर्ड पॉइंट इज फोर जीरो एक्स कोऑर्डिनेट फोर है वाई तो x जीरो के ऊपर ये पॉइंट होगा यहाँ पे आपका ये फोर जीरो पॉइंट है ऑल दिस थ्री पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस तीनों पॉइंट हमने देखा है कि ये जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन है दिस लाइन इज यक्सिस और ये तीनों पॉइंट जो है एक्स एक्सिस के ऊपर है और हम यदि ये, ये तीनों पॉइंट की तरफ देखते हैं तो ये तीनों पॉइंट में हमें देखा जा दे रहा है कि उसका वाई कॉर्डिनेट क्या है जीरो इसका मतलब जिन पॉइंट का वाई कॉर्डिनेट जीरो होता है दिस पॉइंट आर लाइज ऑन एक्स एक्सिस ऐसे पॉइंट सभी कहा होते के के ऊपर ऊपर इसका इसका मतलब of each point on is always zero. इसका मतलब के हर एक पॉइंट का होता है। right? उसका क्या होता है हमेशा जीरो होता है एक्स कोऑर्डिनेट कोई भी हो सकता है बट इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज जीरो सो इससे हमें पता चलता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो सभी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है सो द पॉइंट टू जीरो माइनस थ्री जीरो फोर जीरो हम लोग जनरल बोलेंगे एन जीरो फॉर एनी रियल नंबर एन कोई भी रियल नंबर एन के लिए एनी रियल नंबर एन एन जीरो दे ऑल आर लाइज ऑन एक्स एक्सिस तो ये पॉइंट सभी पे होते हैं

एक्स कोऑर्डिनेट कोई भी रियल नंबर हो सकता है एंड इट इज सो दैट्स वाई इक्वेशन ऑफ वाई एक्स एक्स इज वाई टू जीरोस ओके तो एक्स एक्सेस का इक्वेशन क्या है वाई इज इक्वल टू जीरो ना वी कैन एक्सप्रेस दिस वाई इज इक्वल टू जीरो फॉर्म ऑफ टू वेरेबल वन वेरेबल में जो इक्वेशन है उसको हम टू वेरियबल में एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसा करना है वो वेरियबल का को इक्वेशन जीरो लेके तो यहाँ पे वाई आपका वेरियबल नहीं है तो वो वाई हमें इंक्लूड कर रहे इस इक्वेशन में लेकिन उसका coefficient क्या लेना है? 0 लेना है है तो ये equation हम लोग में लिख सकते हैं right okay? देखिए इसमें कोई चेंज हो रहा है क्या लेफ्ट साइड जीरो इंटू एक्स इट बिकम जीरो प्लस लेफ्ट साइड एज इट एंड इज यो सो वी कैन एक्सप्रेस दिस वाईज इक्वल जीरो

तो ये y जीरो हम लोग ये टू वेरिएबल में इसी तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमिलरली ऑब्जर्व दैट द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज गिवन बाय अह इसी तरह जैसा हमने देखा है कि x इक्वेशन x x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है y जीरो होता है तो उसी तरह y ये जो एक्सिस है उसका इक्वेशन क्या होगा क्योंकि y एक्सिस के ऊपर हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपका जीरो होगा जैसा हमने एक्स एक्सिस के ऊपर देखा था कि एक्स एक्सिस के ऊपर हर एक पॉइंट का वाई कोर्डिनेट जीरो था है, तो उसी तरह एक्स एक्सिस के ऊपर हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा जीरो, हो आ, जीरो करन, हो का एंड वाई कोऑर्डिनेट सॉरी एक्स कॉर्डिनेट जीरो का इक्वेशन क्या होगा एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स एक्सिस का इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू जीरो राइट तो ये वाई एक्सिस का जो इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू वेरिएबल में

वन इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो तो फिर से एक्स एक्सिस का दिस इज योर एक्स एक्सिस और इसका इक्वेशन क्या है वाई इज इक्वल टू जीरो इज अक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वन वेरेबल में टू वेरेबल में. में लिखना है तो हाउ टू राइट जीरो इंटू एक्स प्लस वाई मीन वन इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो So this is the equation of x axis into variable. Okay. Same way y axis, y is -axis ka equation of single variable ma x is equal to zero. If two variable may the likhna hai, to how to write, it can be written as 1 into x plus 0 into y is equal to 0. And this is the equation of y axis. Okay. Because on y axis, x coordinate of each point is always 0. माइक्सेस के ऊपर हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है जीरो होता है तो इसी तरह हम लोग वो पॉइंट से बोल सकते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पे है ओके नाउ नाउ कंसीडर द इक्वेशन बी वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट लिनियर इक्वेशन ऑन अ ग्राफ ओके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है नाउ सी फर्स्ट कंसीडर दिस इक्वेशन x 2 0 एंड दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल

एक्स इज इक्वल टू टू ये एक्स माइनस टू इक्वेशन का क्या है सोल्यूशन है सोल्यूशन ऑन अ एक्चुअली इट इज अ सिंगल वेरिएबल एक्स सो वी कैन रिप्रेजेंट दिस सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन फर्स्ट नंबर लाइन के ऊपर किसी तरह रिप्रेजेंट करना है तो फर्स्ट ड्रॉ दिस नंबर लाइन आप लोग नंबर लाइन ड्रॉ करना है नंबर लाइन किस तरह ड्रॉ करना है उसके ऊपर इंटीजर किस तरह मार्क करना है ये हमने प्रीवियस कॉल क्लासेस में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे हम लोग जनरली सेंटर में वन लेते हैं और वन के राइट right साइड में पॉजिटिव इंटीजर वन टू थ्री सो ऑन दिखाते हैं और ये जो आपका जीरो है यानी कि उसका हम ओरिजिन भी बोलते हैं उसके लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एनसोन कराइट अभी हमें ये सोल्यूशन एक्स इज इक्वल टू माइनस टू दिखाना है तो आपका ये ओरिजिन जीरो है तो एक्स इज इक्वल टू टू यानी कि प्लस टू है प्लस टू का मतलब होता है नंबर लाइन के ऊपर वी हैव टू गो टू यूनिट टू द राइट साइड ऑफ द ओरिजिन ये जो आपका ओरिजिन या जीरो है या फिर इसका सोल्यूशन प्लस टू है प्लस टू होने के कारण ये ओरिजिन से टू यूनिट हम लोग राइट right साइड में जाना है प्लस टू होने के कारण राइट साइड तो ये आपका ओरिजिन से राइट right साइड में टू यूनिट यहाँ पे हम लोग जाएंगे

नेगेटिव नंबर का मतलब होता है वी हैव टू गो ऑन अ लेफ्ट साइड फ्रॉम ओरिजिन और फ्रॉम जीरो तो जीरो से हम क्या करना है लेफ्ट साइड में कितना यूनिट थ्री यूनिट जाना है तो दिस इज योर वन यूनिट टू यूनिट थ्री यूनिट सो वी गेट हियर एंड देयर दिस इज एक्स इक्वल टू माइनस थ्री इज दिस सोल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन तो इसी तरह हम लोग निगेटिव सोल्यूशन भी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकता है ओके okay? तो ये सिंगल वेरिएबल में हमने ये रिप्रेजेंट किया था नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया था सोल्यूशन नाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द सेम सेम इक्वेशन सोल्यूशन इन अ कार्टेशियन प्लेन या इन अ टू वेरिएबल, ओके सो योर ओरिजिनल इक्वेशन इज इक्सल इन इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल इज एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो

अभी इस इक्वेशन में x की तो वैल्यू फिक्स है ये x 2, ये सॉल्यूशन आपका x तो वैल्यू फिक्स है x की जो वैल्यू है हम लोग टू ही लेना है ओके okay? लेकिन y की वैल्यू हम लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं वैल्यू ऑफ y इज एनी नंबर वी कैन टेक एनी नंबर फॉर y बिकॉज जीरो इंटू वाई क्या होता है जीरो होता है जीरो इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो होता है वाई की वैल्यू कोई भी आप लोग पुट कर सकते हैं जीरो इंटू सपोज Y की वैल्यू पुट तो ये जीरो होता है जीरो इंटू सपोज माइनस फोर लिया तो ये भी जीरो तो right? so, कोई भी ले सकते हैं सोल्यूशन लेते समय तीन सोल्यूशन ऐसे लेना है उसमें आपकी एक्स की वैल्यू फिक्स है बिकॉज एक्स इज इक्वल टू टू इज अ सोल्यूशन ऑफ दिसन तो यहाँ पे हर एक सोल्यूशन में एक्स जो है इसका एक्स कोऑर्डिनेट हर एक पॉइंट का एक्सर्डिनेट फिक्स एंड वी नो दैट लिनर इक्वेशन इन टूर सोल्यूशन बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं तो दे आर तो उसके सोल्यूशन किस फॉर्म में होंगे टू आर टू आर टू मीन एक्सर्डनेट फिक्स टू बिकॉज ऑफ दिसन तो ये सोल्यूशन एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स होता है और आप लोग कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं माइनस प्लस नो प्रॉब्लम तो वी कैन चूज एनी थ्री और फोर सॉल्यूशंस सो यू वी कैन टेक हियर टू माइनस वन एक्स कोऑर्डिनेट टू फिक्स है वाई no so so को कोऑर्डिनेट गो कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं माइनस वन लिया है टू जीरो टू 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 थ्री एक्सेट्रा आर द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स माइनस टू तो ये जो सभी ये एक्स माइनस ये लिनियर इक्वेशन का है, ओके? Okay? तो इन में से कोई भी टू पॉइंट या थ्री पॉइंट प्लॉटिंग करना है नाउ यू कैन इक्वेशन आप लोग कब होता है सोल्यूशन ये जो है टू माइनस वन इस इक्वेशन का ये हमने पहला सोल्यूशन टू माइनस वन ये फाइंड आउट किया है सोल्यूशन है क्या नहीं ये हम लोग चेक कर सकते कैसे कर रहे हैं फर्स्ट कंसिडर लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड आपका एक्स माइनस टू है उसमें एक्स का वैल्यू टू पुट करना है एक्स का वैल्यू टू पुट किया तो टू माइनस टू एंड इज इक्वल टू वॉट जीरो बट योर आर एच एस आर एच एस ये आपका क्या है आर एच एस सो टू माइनस वन वैल्यू सॉरी टू एक्स इज इक्वल टू टू एंड वाई इज इक्वल टू माइनस वन यदि इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है इसका मतलब वैल्यू पुट करने के बाद लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आता है देन दिस पॉइंट इज अ सॉल्यूशन तो यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब टू माइनस वन इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो तो इसी तरह आप लोग सभी ये जो है ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं आप लोग चेक कर सकते हैं तो दिस आर द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन ओके ऑल्सो यू कैन चेक या चेक कर सकते आप लोग सो so,

और ये वाई कोऑर्डिनेट आपका माइनस वन सो दिस इज योर पॉइंट टू माइनस वन ये पहला सोल्यूशन मिल गया सेकंड टू वन एक्स कोऑर्डिनेट आपका टू है तो दिस इज योर पॉइंट टू वन देन टू टू एक्स कोऑर्डिनेट आपका टू है वाई कोऑर्डिनेट आपका टू है तो दिस इज योर पॉइंट टू टू

तो ये आप लोग ध्यान में रखना है नाउ विल से ऑन दिस टॉपिक सॉल्व द इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन एंड कार्डिसन प्लेन नंबर लाइन के ऊपर उसका सोल्यूशन पहला नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है ओके okay? बाद में कार्डिसन प्लेन के ऊपर हमें रिप्रेजेंट करना है <coughs> तो

हमें यहाँ पे मिलता है x इज इक्वल टू माइनस फोर वी गेट अ सोल्यूशन ऑफ दिस लिनियर इक्वेशन तो ये जो दिया गया इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हमें मिल गया x इज इक्वल टू माइनस देखिए अभी यहाँ पे x का वैल्यू माइनस फोर है प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा था कि x का वैल्यू टू के कि प्लस था ओके okay? ये प्लस टू होने का कारण उसका ग्राफ जो हमने कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ किया था

लेफ्ट साइड में नेगेटिव मेंन माइनस टू माइनस टू रिप्रेजेंट माइनस फोर अभी एक्स का वैल्यू माइनस फोर है माइनस फोर का मतलब ये जो आपका जीरो या ओरिजिन है इससे सोल्यूशन माइनस फोर है फोर है इसलिए फोर यूनिट जाना है लेकिन साइन उसका माइनस है इसलिए ओरिजिन के यानी कि जीरो के लेफ्ट साइड में फोर यूनिट जाना है तो ये ओरिजिन से हम लोग यूनिट लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं One, two, three, four. पे आ हम लोग, okay? so आप लोग कोई भी पॉइंट दे सकते है? p this point p represent x नंबर लाइन तो इसी तरह हमने ये x इज इक्वल टू माइनस फोर ये सोल्यूशन नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया ये हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया तो इसी तरह हम लोग कोई भी सोल्यूशन हम लोग नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओके नाउ वी कैन रिप्रेजेंट द सेम सॉल्यूशन इन अ कार्टेशियन प्लेन दैट मींस इन अ टू वेरिएबल तो हम लोग दो वेरिएबल में यानी कि कार्टेशियन प्लेन में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ओके नाउ फर्स्ट वी कैन एक्सप्रेस दिस x 2 आपका ये जो x is equal to minus -4 ये जो सॉल्यूशन है ये हम लोग टू वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो

न टेक एनी वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर एज द वैल्यू ऑफ वाई तो वाई हम लोग कोई भी वैल्यू ले सकता है ओके दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अल दैल्यू ऑफ वाई आर आर पॉसिबल देखिये ऑल द वैल्यू ऑफ वाई आर पॉसिबल बिकॉज जीरो इंटू वाई इज ऑल वे जीरो y की वैल्यू कोई भी लीजिए आप लोग आएगा तो इसका मतलब y की वैल्यू 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 कोई कोई भी value, कोई भी रियल नंबर पॉसिबल है है x x x लेकिन का फिक्स आपका क्या है x इज इक्वल टू माइनस फोर वी कैन राइट एनी टू सॉल्यूशन तो हम लोग कोई भी टू सॉल्यूशन ले सकते हैं जैसे कि x माइनस फोर एक्स का वैल्यू फिक्स है माइनस फोर वाई का कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं जीरो लिया दूसरा फिक्स है और वाई का वैल्यू कोई भी एनी रियल नंबर लिया तो हम लोग कोई भी ले सकते हैं सोल्यूशन एंड सेकंड इज एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर एंड वाईल टू टू यानी कि माइनस फोर टू इज अनदर सॉल्यूशन इसी तरह हम लोग बहुत सारे सॉल्यूशन ले सकते हैं लेकिन वी नो दैट पॉइंट रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मिनिमम दो सॉल्यूशन की आवश्यकता होती है आप दो से ज्यादा भी ले सकते हैं तो हमने दो तो ही लिया ओके नाउ प्लॉट पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर तो पहला आपका सॉल्यूशन है माइनस फोर जीरो तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका माइनस फोर है वाई जीरो इसका मतलब ये पॉइंट आपका एक्स एक्सेस के ऊपर होगा तो एक्स यहाँ पे आपका माइनस है वाई जीरो सो दिस इज योर पॉइंट माइनस फोर ओके सेकंड पॉइंट इज योर एक्स कोऑर्डिनेट आपका माइनस फोर है इसी तरह ऊपर जाना है पॉजिटिव डायरेक्शन में क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट है और कहा तक टू यहाँ पे आपका वाई कोऑर्डिनेट टू है यहां से आना है और दिस इज अ पॉइंट योर पॉइंट माइनस फोर टू ये दो पॉइंट हमें मिल गए नाउ ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ये पॉइंट में से जाने वाली लाइन निकाली ए बी सो दिस लाइन ए बी इज द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन जीरो सॉरी एक्स प्लस जीरो वाई इज इक्वल टू माइनस फोर इसका या आपका ओरिजिनल इक्वेशन जो है ओरिजिनल इक्वेशन का सोल्यूशन ग्राफ है ओके सो दिस इज दिस लाइन इज अ ग्राफ ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन ओके नाउ सी दिस लाइन ए इज़ पैरल टू एक्सिस अभी देखिए ये जो ग्राफ है आपका ये क्या है पैरल टू को ये जो है उसको पैरल लगा है क्ट है एंड इट इज हाउ मेनी डिस्टेंस इट इज फोर यूनिट और किस डायरेक्शन में इट इज ऑन द लेफ्ट साइड क्योंकि लेफ्ट साइड में फोर यूनिट लाइन आती है ओके सो नो डेट द ग्राफ एबीज लाइन पैरल टू किस वाइक्सर एंड एट अ डिस्टेंस फोर यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ इट और ये फोर यूनिट एक्सिस के लेफ्ट साइड में तो सॉल्यूशन का साइन के ऊपर डिपेंड करता है यदि सॉल्यूशन आपका पॉजिटिव तो है, तो है तो ये जो लाइन होती है ग्राफ वो पैरल टू एक्स एक्सिस लेकिन टू एक्सिस लेकिन एक्सिस के कौन से साइड में होते हैं राइट साइड में यदि सोल्यूशन माइनस है तो ये पैरल टू एक्सिस लेकिन वो होती है एक्सिस के लेफ्ट साइड में तो ये आप लोग ध्यान में देखना है तो इसी तरह यदि आपका इक्वेशन uh, y इज इक्वल टू यदि आपका प्लस टू है तो आपका जो ग्राफ होगा ये होगा पैरल टू x एक्सिस होगा पैरल टू x एक्सिस ओके एंड इट इज अबोव द ओरिजिन एक्स एक्सिस को पैरल होगा और ओरिजिन के अबोव टू यूनिट होगा टू यूनिट अबोव द ओरिजिन ओके यदि माइनस टू है तो आपका ग्राफ इसी तरह नीचे होगा x एक्सिस के नीचे पैरल टू x एक्सिस एंड इट इज बिलो द एक्स एक्स बिलो द एक्स एक्सिस या आप लोग टू दिलो बिलो भी बोल सकते हैं आप, लो, okay? तो आप लोग अबो और बिलो ओके तो इसी तरह हम लोग इक्वेशन और भी सॉल्व कर सकते हैं नाउ वी कैन सी एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक दैट इज योर एक्सरसाइज फोर पॉइंट फोर सो योर फर्स्ट एग्जाम्पल इज ड्यू द जोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब प्रॉपिकल

यदि एक्स है तो ओरिजेंटल लाइन निकालना है तो ये सोल्यूशन वाई जीको टू थ्री एक्सिस के ऊपर यानी इसलिए हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं सो so, दिस वर्टिकल लाइन हमने वर्टिकल लाइन नंबर लाइन निकाली है। ये आपका ओरिजिन है और ओरिजिन के ऊपर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन दिखा है नीचे नेगेटिव इंटीजर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एन सो ऑन दिखा है ओके अभी आपका वाई जीरो प्लस साइन है इसलिए ये ओरिजिन यानी कि जीरो से प्लस एन के कारण अबोव ओरिजिन जाना है कितना यूनिट नंबर लाइन तो, तो, तो इसी तरह ये वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री ये सोल्यूशन हम लोग नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो यहाँ पे इसी तरह दर्शा है ये आपका जो है जिस सोल्यूशन रिप्रेजेंट किया गया है नंबर लाइन के ऊपर इन वन वेरेबल इसको बोलते हैं वन वेरेबल ओके नंबर लाइन के ऊपर अभी इसको हम लोग टू वेरेबल में रिप्रेजेंट करना है ओके okay? तो हाउ टू रिप्रेजेंट इन टू वेरेबल पहले ये वाईज इक्वल टू थ्री ये जो लिन इक्वेशन इन वन वेरेबल है उसको एक्सप्रेस करना है टू वेरेबल के फॉर्म में तो यहाँ पे x का टर्म एब्सेंट है तो उसको प्रेजेंट दिखाना है बाय टेकिंग इट्स कोएफिशिएंट एज को जीरो

ये जीरो वैल्यू कोई भी रियल नंबर हम लोग ये पुट करेंगे तो वैल्यू हमें तो, तो मतलब कोई भी वैल्यू लीजिए ले तो ले लेकिन y की वैल्यू आपकी फिक्स है वैल्यू ऑफ y यानी कि y कोऑर्डिनेट आपका फिक्स है और वो है आपका थ्री तो कोई भी यानी कि फिर ऐसे कोई भी दो सोल्यूशन लेना है ओके तो थ्री uh, uh, टू कोई भी दो इक्वेश सोल्यूशन आप ले सकते हैं तो यहाँ पे हमने लिया है एक्स जीरो एक्स का वैल्यू कोई भी जीरो लिया वाई तो फिक्स है थ्री उसी तरह एक्सल टू माइनस फोर वाई आपका फिक्स है थ्री तो अभी ये दो सोल्यूशन हमें ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉटिंग करना है सो नाउ प्लॉट द ग्राफ तो ये आपका एक्स एक्सेस है ओके ये आपका वाई एक्सेस है इधर पॉजिटिव इंटीजर वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन दिखाए लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर अभी देखिए पहला सोल्यूशन है एक्स क्वारट जीरो वाई थ्री एक्स क्वारट जीरो एक्स क्वारट जीरो और वाई क्वारट थ्री है तो ये वाई एक्सेस के ऊपर होगा तो एक्स कि एक्स से जीरो से जाना है और वाई एक्स के ऊपर तो पे माइनस फोर, फोर और आपका वाई कोऑर्डिनेट थ्री है तो माइनस फोर एक्स एक्स से माइनस फोर से जाना है और वाई से इधर सो दिस इज योर पॉइंट माइनस फोर थ्री

ये डिपेंड करता है बिलो या अबो नाउ वन मोर एग्जाम्पल गिव द जोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू एक्स प्लस नाइन इज इक्वल जीरोबल और इन अ टू वेरेबल अभी ये टू एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो हमें दिया गया है इक्वेशन वन से डिनोट करेंगे उसका पहले सोल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो सोल्यूशन फाइंड करना आसान है यानी कि एक्स का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो, तो ये जो नाइन है ये हम पहले ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड से राइट साइड में तो नाइन इधर प्लस है तो उधर क्या होगा माइनस होगा सो वी गेट टू एक्स इज इक्वल टू दिस प्लस नाइन बिकम माइनस नाइन देन ट्रांसफर दिस टू टू मल्टीप्लाई कर रहा है तो उस साइड में डिवाइड करेगा सो वी गेट एक्स इज इक्वल टू माइनस यानी कि माइनस एम राइट और नॉट करेक्ट सो एक्स इक्वल टू इज योर सोल्यूशन तो पे सोल्यूशन मिल गया आपको एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर पॉइंट फाइव ओके अभी तो वर्टिकल लाइन निकालना है ओके तो, okay? तो अभी ये सोल्यूशन हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर तो ये आपका ओरिजिन है ओके okay? तो एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर पॉइंट फाइव है इसका साइन माइनस है इसलिए ओरिजिन से लेफ्ट साइड की तरफ जाना है कितना यूनिट फोर पॉइंट फाइव तो फोर पॉइंट फाइव आपका वन टू थ्री फोर फोर आ गया तो और फोर पॉइंट फाइव यूनिट आ गए तो यहाँ पे हम लोग आ गए एंड दिस पॉइंट सपोज वी कैन से क्यू दिस पॉइंट क्यू रिप्रेजेंट वाई इज इक्वल टू माइनस फोर पॉइंट फाइव सो ये पॉइंट जो है ये नंबर लाइन के ऊपर सोल्यूशन हम लोग रिप्रेजेंट इसी तरह कर सकते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर इक्वल टू माइनस फोर इज रिप्रेजेंटेड इज इन वन वेरेबल नोलूशन एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर पॉइंट फाइव वी कैन रिप्रेजेंट इन अ टू अ दिन प्लेन तो किस तरह रिप्रेजेंट करना है देखते हैं तो वो जो इक्वेशन है ये हम लोग टू वेरेबल के फॉर्म में इसी तरह एक्सप्रेस कर सकते ये आपका वन वेरेबल के फॉर्म में था ये टू वेरेबल के फॉर्म में हम लोग जो y की है, उसको दिखा सकते हैं उसका लेके तो दिसो इन टू वाई प्लस नाइन एज इट इज इक्वल टू जीरोबल एक्स एंड वाई तो ये इक्वेशन आपका टू वेरेबल में आ गया ओके okay? अभी इसके दो सोल्यूशन फाइंड करना है और इसके सोल्यूशन फाइंड करना आसान है क्योंकि आपका एक्स का एक्स कोर्डेट यानी कि एक्स फिक्स है एक्स का वैल्यू आपका फिक्स है और क्या है इट इज सोल्यूशन दैट इज माइनस फोर पॉइंट फाइव एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर पॉइंट फाइव या माइनस नाइन बाई टू भी बोल सकते है. ये फिक्स है वाई की वैल्यू इज एनी नंबर इज परमिसेबल एनी रियल नंबर आपकी आप ले सकते हैं बिकॉज जीरो इंटू वाई जीरो होता है तो वाई की कोई भी वैल्यू यहां तो भी ले सकते हैं लेकिन सोल्यूशन है, तो ले है। तो आप ले दूसरा वाई का वैल्यू हमने टू लिया कोई भी नंबर ले सकते है, लेकिन एक्स फिक्स है माइनस फोर पॉइंट फाइव तीसरा एक्स का वैल्यू सपोज हमने माइनस टू लिया वाई का वैल्यू माइनस टू लिया लेकिन एक्स का सॉरी uh, एक्स को ऑर्डिनेट हमने माइनस टू लिया वाई आपका फिक्स है माइनस फोर पॉइंट फाइव तो ये तीन सॉल्यूशन हमने लिए ओके नाउ प्लॉट दिस सॉल्यूशन ऑन द ग्राफ पेपर एंड जॉइंट ऑल दिस पॉइंट बाय लाइन एंड दिस लाइन इज द ग्राफ ऑफ योर गिवन इक्वेशन टू एक्स प्लस नाइन इज तो ये पॉइंट हम लोग प्लॉटिंग करते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर ओके सो ये आपका एक्स एक्सेस है ये आपका वाई एक्सेस है अभी पहला आपका सोल्यूशन था एक्स का वैल्यू आपका माइनस फोर पॉइंट फाइव फिक्स प्रीवियस थोड़ा सा मैं गलत बोल दिया आप लोगों को वाई का वैल्यू जीरो और एक्स का वैल्यू आपका फिक्स है माइनस फोर पॉइंट फाइव तो आपका पहला सोल्यूशन होगा माइनस फोर पॉइंट फाइव और वाई कोऑर्डिनेट आपका जीरो उल्टा लिखा गया था ये करेक्ट करना है सेकंड एक्स कोऑर्डिनेट आपका फिक्स है माइनस फोर पॉइंट फाइव वाई का कोऑर्डिनेट लेना है टू थर्ड एक्स कोऑर्डिनेट आपका माइनस फोर पॉइंट फाइव फिक्स और वाई है आपका माइनस टू नो प्लॉट ऑल दिस पॉइंट माइनस फोर पॉइंट फाइव जीरो माइनस फोर पॉइंट फाइव टू माइनस फोर पॉइंट फाइव माइनस टू ऑन द ग्राफ पेपर ओके तो ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉटिंग करना है तो so, पहला सोल्यूशन एक्स कोऑर्डिनेट माइनस फोर पॉइंट फाइव जीरो यानी कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट जीरो है तो ये फोर पॉइंट फाइव आपका है यहाँ पे ओके तो ये ओके दिस इज योर पॉइंट सेकंड आपका सॉल्यूशन है माइनस फोर पॉइंट फाइव और टू तो ये माइनस फोर पॉइंट फाइव और वाई कोऑर्डिनेट आपका टू है तो यहाँ पे आपका पॉइंट होगा दिस पॉइंट इज योर माइनस फोर पॉइंट फाइव और वाई कोऑर्डिनेट आपका टू उसनेक्स्ट पॉइंट आपका माइनस फोर पॉइंट फाइव माइनस टू माइनस फोर पॉइंट फाइव से नीचे आना है क्योंकि y कोऑर्डिनेट माइनस टू है तो ये माइनस टू यहाँ पे सो दिस इज योर पॉइंट माइनस फोर पॉइंट फाइव माइनस टू एंड ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू दिस लाइन सो दिस इज योर ग्राफ दिस इज योर ग्राफ पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस इज वी कैन से दिस लाइन इज अ ए ए बी बी आप लोग बोल सकते हैं सो दिस लाइन ए बी इज अ ग्राफ Of given linear equation. A e B is a line, and this line is parallel to square y axis square. This is parallel to y axis at a distance of left left side. Mein. Okay. At a distance on the left of y-axis, uh, it is located of all points of the plane having x coordinate is a 4.5. X coordinate is 4.5, or it is a फोर पॉइंट फाइव यूनिट डिस्टेंस टू द लेफ्टॉप वाइक्स वैक्सीस के लेफ्ट साइड में तो इसी तरह हम लोग कोई इक्वेशन वन वेरेबल में या टू वेरेबल में ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आई थिंक आप लोग को ये समझ में आया होगा यदि आप लोगों को कोई डाउट है कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मे ऑन माय व्हाट्सएप नंबर माय व्हाट्सएप नंबर इज नाइन फोर टू जीरो फोर थ्री नाइन 784. So okay, friends. Uh try to solve same type of problem from your uh, books or reference book. If you have any out then ask me. Okay, friends. Goodbye. Have a